हल करेंगे। कार्यपत्रक 1, 2, 3, 4, 5 और आकलन 1 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 1, दक्षता, संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना, ये दक्षता होगी इसकी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखें। पहला 117, 118, 119, ये उदाहरण दे रखा है। उसी प्रकार 117, 118, 119 शब्दों में लिख रखा है। यहाँ दे रखा 235, इससे पहले आएगा 234 और इसके बाद 236, यहाँ भी 235 शब्दों में है। इसके पहले हमें अंकों में लिखना है 234 और 236। तीसरे में आएगा 908, 909, 910, यहाँ शब्दों में 908, 909, 910, 5212, 5213, 5214, यहाँ भी आएगा 5212, 5213, 5214, 6809, 6810, 6811। इसी प्रकार यहाँ आएगा 6809, 6810, 6811। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्या लिखी। 915, 916, 917, इसके बाद आएगा 918, 919, 920, 921 और 922, 1395, इसके बाद आएगा 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604 आ जाएगा। अगला है चौथा, 808, इसके बाद आएगा 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816। पांचवा होगा 1548, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544 आ जाएगा यहाँ। प्रश्न नंबर 3 होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इकाई दहाई सैकड़ा में, इसमें इकाई में 8, दहाई में 9, सैकड़े में 7, 798, शब्दों में होगा 798, यहाँ होगा 9172, तो 9172, 6295, 6295, 4430, यहाँ शब्दों में दे रखा था, यहाँ हमें इधर लिखना है 4430, 2300, यहाँ 15 दे रखा है, यहाँ 15 आ जाएगा, 2315। प्रश्न नंबर 4 होगा, 1008 को शब्दों में लिखा जाता है, 1008 को हम लिखेंगे यहाँ से वाला राइट है, 1008 से। कार्यपत्रक 2 देखते हैं, कार्यपत्रक 2, संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 865 को हमने लिखा 8 सैकड़ा, 6 दहाई और 5 इकाई में। इसी प्रकार 3752 को लिखेंगे 3007 सैकड़ा, 5 दहाई, 2 इकाई। 8570 को लिखेंगे 8005 सैकड़ा, 7 दहाई और 0 इकाई। 2805 को लिखेंगे 2008 सैकड़ा, 0 दहाई, 5 इकाई। 3002 को लिखेंगे 3000 सैकड़ा और 0 यहाँ दहाई और 2 इकाई। प्रश्न नंबर 2 होगा, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। 5613 को लिखेंगे हम 5006 सैकड़ा, 1 दहाई, 3 इकाई। 2875 को लिखेंगे 2008 सैकड़ा, 7 दहाई, 5 सैकड़ा। 9305 को लिखेंगे 9003 सैकड़ा, 0 दहाई, 5 इकाई।
6872 को लिखेंगे, 6 हज़ार 8 सैकड़ा 7 दहाई 2 इकाई। 5613 को लिखेंगे, 5 हज़ार 6 सैकड़ा 1 दहाई 3 इकाई। प्रश्न नंबर 3, दिए गए विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखें। 2 दहाई 3 इकाई, 5001 सैकड़ा, 5001 सैकड़ा, 2 दहाई 3 इकाई, 5123, 6002 सैकड़ा 1 दहाई 3 इकाई। तो यहाँ हजार में 6, सैकड़े में 2, दहाई में 1, इकाई में 3, 6213 आ जाएगा। 3005 सैकड़ा 8 इकाई, 2 दहाई 3528, 3528, ये नहीं आएगा बीच में, 5 दहाई 8009 सैकड़ा। तो यहाँ हजार में 8 है, 9 दहाई में 5, 8950। 3 सैकड़ा 2 इकाई 7 दहाई, 3 सैकड़ा 2 इकाई और 7 दहाई, 372। प्रश्न नंबर 4 होगा, विस्तार रूप 8 सैकड़ा + 9000 + 3 दहाई का संख्या रूप लिखे। 9803 दे राइट है। संख्या 6502 का विस्तार रूप लिखे, तो इसमें 2 इकाई 5 सैकड़ा 6000, ए राइट है। कार्यपत्रक 3 देखते हैं। कार्यपत्रक 3, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखें। संख्या 6513 में हजार के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान होगा 6 × 1000 6000। सैकड़े में स्थान पर आए 5 का स्थानीय होगा स्थानीय मान होगा 5 × 100 500। इसी प्रकार दहाई में 1 का स्थानीय मान होगा 1 × 10 10। इकाई में 3 का स्थानीय मान 3 × 1 3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखें। संख्या 2836 में सैकड़े के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान 8 × 100 800। हजार के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान 2 × 1000 2000। बाय के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 3 × 10 30। इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 6 × 1 6। प्रश्न नंबर 3, संख्या 3085 में हजार के स्थान पर 3 का स्थानीय मान 3 × 1000 3000। दाय के स्थान पर 8 का स्थानीय मान 8 × 10 80। इकाई के स्थान पर 5 का स्थानीय मान 5 × 1 5। संख्या 1675 में हजार के स्थान पर 1 का स्थानीय मान 1000। सैकड़े के स्थान पर 6 का स्थानीय मान 600। दाई के स्थान पर 7 का स्थानीय मान 7 × 10 70। इकाई के स्थान पर 5 का स्थानीय मान 5 × 1 5। प्रश्न नंबर 2, संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान होगा 300, वे राइट है। नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में 7 का स्थानीय मान 70 है? तो उसमें संख्या 6 है, इसमें 3572 इसमें 7 का स्थानीय मान 70 है, से राइट। प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान का अंतर। देखिए इस 3 का स्थानीय मान तो होगा 30, इसका होगा 3, 30 में से 3 निकाले 27 रह जाएंगे, वे राइट है। यह था कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 4 अब देखते हैं हम। कार्यपत्रक 4, दक्षता, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 5329, इसको हम लिखेंगे 5000, 5 × 1000 5000। 3 सैकड़े का मतलब 3 × 100 300। 2 दहाई का मतलब है 2 × 10 20। 9 इकाई का मतलब 9 × 1 9। दूसरा है 2873, इसमें हमें 2000 को 2 को 1000 से गुणा किया 2000, 8 को 100 से गुणा किया 800, 7 को 10 से गुणा किया 70 और 3 इकाई का मतलब 3 को 1 से गुणा किया 3। 6135 में 6000 है तो 6 को 1000 से गुणा किया 6000,
एक सैकड़ा यानी एक को 100 से गुणा किया 100, 3 दहाई का मतलब 30, 5 इकाई का मतलब 5। इसी प्रकार चौथा है 9008 में 9 को 1000 से गुणा किया 9, 0 सैकड़ा 0 को 100 से गुणा किया 0 ही आएगा, 0 दहाई का मतलब 0 को 10 से गुणा किया 0, 8 दहाई का मतलब 8 इकाई, 8 इकाई का मतलब 8 को 1 से गुणा किया 8। प्रश्न नंबर 2 देखें, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखें। 1735 का विस्तारित रूप होगा 1000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 5, 2805 का विस्तारित रूप 2000 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 5, 7605 का 3 का विस्तारित रूप लिखेंगे हम, तो यहाँ जाएगा 7000 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 3, 2008 का विस्तारित रूप लिखेंगे 2000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना है हमें, 800 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 5, 8000 सॉरी 8000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 5, तो यहाँ 8 × 1000 यानी 8000, 7 × 100 यानी 7 सैकड़ा, 2 × 10 यानी 2 दहाई, 5 × 1 यानी 5 इकाई, संख्या बन जाएगी 8725। 7000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3, इसका विस्तारित रूप होगा 7 × 1000 7000, 2 × 100 200, 8 × 10 80, 3 × 1 3, ये संख्या बन जाएगी 7283। प्रश्न नंबर 3 होगा 6000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2, इसका विस्तारित रूप होगा 6 × 1000 6000, 7 × 100 करेंगे तो 700, 3 × 10 30 और 2 × 1 2, संख्या हो जाएगी ये 6732। प्रश्न नंबर 4 है 800 प्लस 2000 प्लस 3 प्लस 40, तो यहाँ पहले 1000 को लिखेंगे, 2 × 1000 2000, 8 × 100 800, 4 × 40 10, 40, 3 × 1 3, संख्या हो जाएगी 2843। ये था कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 5 देखते हैं, दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखें। 9071 को लिखेंगे, 9000 जीरो सैकड़ा 7 दहाई 1 इकाई, 8081 को विस्तारित रूप होगा, यहाँ 1000 में 8 आएगा, सैकड़े में 0, दहाई में 8 और इकाई में 1, 3790 को 1000 में 3000, सैकड़े में 7, दहाई में 9, इकाई में 0, 7047 को 1000 में 7, सैकड़े में 0, दहाई में 4 और इकाई में 7 आ जाएगा, 6300 को 1000 में 6, सैकड़े में 3, दहाई और इकाई में 0 0। प्रश्न नंबर 2 होगा, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखें। 40 प्लस 9000 प्लस 9 9049, 900 प्लस 80 प्लस 9 प्लस 2000, इनको जोड़ेंगे 2989, 3000 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 200 3281, 700 प्लस 70 प्लस 9000 प्लस 2 9772। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। 7707 को लिखेंगे हम, 7000 प्लस 700 प्लस 7, 6549 को लिखेंगे, 6000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 9, 898 को लिखेंगे, 800 प्लस 90 प्लस 8, 9009 को लिखेंगे, 9000 प्लस 9। नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखें। 2000 प्लस 3 सैकड़ा प्लस 1 दहाई प्लस 9 इकाई, यहाँ लिखेंगे हम 2319, 8 सैकड़ा 7000 6 दहाई 4 इकाई 7864 संख्या आ जाएगी, 9 दहाई 2005 सैकड़ा और 1 इकाई को लिखेंगे 2591, 7 सैकड़ा 6 दहाई 3007 इकाई को लिखेंगे 3767,
दो दहाई तीन इकाई 9400 को लिखेंगे 9423। अब हम आकलन एक को देखते हैं। आकलन एक 6779 से ठीक पहले हम ठीक बाद आने वाली संख्या होगी 6779 से पहले आएगी 6778, इसके बाद 6780, इसमें राइट लगा दें। दूसरा है विस्तारित रूप, तीन दहाई 8500 का संख्या रूप होगा, तो इसमें देखिए हजार में है 8, सैकड़े में 5, दहाई में 3, इकाई में 0 आ जाएगा, इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 3 होगा, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 3 का स्थानमान 300 है, तो इसमें देखिए इस संख्या में 3 का स्थानमान 300 है, 6398, इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 4 होगा, 5200 दो का विस्तारित रूप होगा, 5000 प्लस 2 प्लस 200, इसमें राइट लगा दें आप। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखें, 5 सैकड़ा 2000, 3 दहाई 1 इकाई 2531, 6 दहाई 8 इकाई 9000 968। प्रश्न नंबर 6, स्थानीय मान लिखिए, 5632 में अंक 5 का स्थानीयमान 5000, 6085 में अंक 0 का स्थानीयमान होगा 0। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए, 8973 का, 8000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 3, 9082 का, 9000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 2। आठवां, निम्नलिखित विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखें, 200 प्लस 7000 प्लस 3 प्लस 20 7223, 60 प्लस 6000 प्लस 500 6560। इस प्रकार हमने हल किया कार्यपत्रक 1 2 3 4 5 और आंकलन एक का हल, क्योंकि गणित कक्षा 6 और 7 2023 की कार्यपुस्तिका में ये आया हुआ है। इसी प्रकार और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।